हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड पता नहीं ये कितना लंबा व्लॉग होगा, बट ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए व्लॉग जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले एक व्लॉग लाइव किया है मेरे भाई के तरफ से, रिगार्डिंग मैं जो भी चीज़ें उसमें बात कर रही हूँ। तो पहली बात तो ये वीडियो मेरे भाई भाभी के लिए है कि आप लोग क्या पोस्ट कर रहे हो, एक बार उस चीज़ को देखो वीडियो में। बिकॉज अगर ऐसा ही है ना, अगर कोई भी इंसान आपसे नॉर्मली बात कर रहा है और आप उठा करके उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को, मुझे नहीं जानते लोग, मैं अपनी बात कर रही हूँ, भले 10 जन ही मुझे जानते हैं, बट हाँ लोग जानते हैं। एंड मैं नहीं चाहती मेरे थ्रू किसी को भी कुछ गलत मैसेज जाए। जब मैं आपसे कुछ पर्सनल बात कर रही हूँ या कुछ भी बात कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि आप कुछ वो सोशल मीडिया पे डालो। और हाँ, अगर आप डाल भी रहे हो तो आप बोल सकते हो कि दी मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तुम मत करो। अभी जो भी वीडियो में गया ना, शिवलिंग या जो भी, पहली बात तो मैं इतना बता दूँ, मैंने कोई शिव पुराण नहीं पढ़ा है और मुझे रिलीजियस टॉपिक पे अपने वीडियो में कभी बात भी नहीं की है मैंने, और ना मैं कभी ना प्रमोट करती हूँ, ना जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है मैं डेफिनेटली नहीं करूँगी। मैं खुद अपने मुँह से बोल रही हूँ कि मैं उतना पूजा पाठ नहीं करती हूँ, करती हूँ मैं पूजा पाठ, बट हाँ शिव पुराण पढ़ना, भगवद गीता मैंने नहीं पढ़ी है पूरी। भगवद गीता भी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी है, जब मैं प्रेगनेंट थी तब मैं पढ़ी थी। और जो चीज़ें मैंने बोली है वीडियो में, वो मैं इस वजह से बोली हूँ क्योंकि मेरे घर रुद्र अभिषेक जब हुआ था तो मेरे को पंडित जी ने बोला था आप शिवलिंग को, शिवलिंग और टच, यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी मेरी रंजना से उससे पहले बात हुई थी, तो बात ये हो रही थी कि नहलाने के बारे में। तो जो श्रृंगार होता है वो पंडित जी या मेल वैसे करते हैं, और मुझे भी जहाँ तक मालूम है यही मालूम था कि औरतें जो हैं श्रृंगार नहीं करती हैं शिवलिंग का। और दूसरी बात, शिवलिंग पे का कोई फल वगैरह नहीं खाते हैं, हाँ जल देते हैं हम लोग, ये भी मैंने वीडियो में बोला है कि हम लोग पूजा करते हैं जल देते हैं, बट वो वीडियो आप लोग के पास नहीं गया, वो क्लिप कट हुआ है क्योंकि आधी वीडियो है उसमें, और इंटेंशनली अनइंटेंशनली नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जैसे कि प्रिंस या रंजना में से कोई एक पोस्ट किया है, तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप पोस्ट क्या कर रहे हो। और अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो आप मेरे कंसेंट से बनाओ कि हाँ दीदी मैं वीडियो में ये डालूंगा या जो कुछ भी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कोई मिस इन्फॉर्मेशन देना। जो मुझे इन्फॉर्मेशन था मैंने अपनी भाभी को दिया था, मुझे अगर पता होता कि ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करेगा, और मुझे ये पता भी नहीं चलता, मुझे इतने कमेंट्स आए ना कि तुम खुद अज्ञानी हो एंड वॉट एवर, तो मुझे जितना ज्ञान था मैंने अपना ज्ञान जाके नहीं बांटा है। मुझे पूछा है रंजना ने कि दीदी क्यों नहीं किया जाता है, वो चाहती तो वो किसी से भी पूछ सकती थी, मेरे घर में और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो किसी से भी पूछ लेती, मैं कभी उससे पूजा पाठ के रिलेटेड बात नहीं करती हूँ। उसने मेरे से पूछा, मैं बांटने नहीं गई ज्ञान, जस्ट नॉर्मली पूछा, तो मैंने एज पर मेरे नॉलेज मैंने बताया। आई एम वेरी ग्लैड कि बहुत सारे लोग कॉमेंट में आके अपना ज्ञान मुझे दे रहे हैं कि समझा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें शायद मैं भी नहीं जानती हूँ तो मैं वो चीज़ों को सुनूंगी। लेकिन जो चीज़ें आप इस तरीके से मतलब बोल रहे हो कि तुम खुद हिंदू नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये नहीं होना चाहिए, तो पहली बात मैं हिंदुइज़्म या फिर नेशनलिज़्म या फिर रिलीजन प्रमोट करने नहीं आई हूँ, और मैं सच बोलूँ मैं सारे रिलीजन को सपोर्ट करती हूँ, और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सो कॉल्ड एंटी, मुझे पूजा पाठ नहीं आता एंड जो कुछ भी, मैं भी शिव जी की पूजा करती हूँ भाई, मैं खुद तीज व्रत रखती हूँ, शिव पार्वती जी की पूजा करती हूँ मैं, तो मुझे पता है पूजा तो की जाती है। शिवलिंग छूना इन अ सेंस ऐसा नहीं है कि प्रणाम करने के लिए मना किया, जो नहलाने वाला पोर्शन है ना वो स्त्रियां नहीं करती हैं एज पर माई नॉलेज, तो वो चीज़ नहलाने के बारे में बात कर रही थी, और उस पे का भोग भी नहीं खाते हैं जैसा कि मुझे मेरे पंडित जी ने बताया, वैसा मैं अपनी भाभी को बता रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी के थ्रू सोशल मीडिया पर ये पूरा सर्कुलेट होगा कि अब रियली ये वीडियो कहीं ना कहीं रंजना और प्रिंस देखेंगे। और मैं उन लोगों को बोल दे रही हूँ कि प्लीज़ आपने जो ये चीज़ किया है ना, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले भी मैं रंजना प्रिंस को ये बात बोली थी, रंजना को पर्सनली फ़ोन करके बोली थी कि तुम्हारे उस पर इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं मेरे से जो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो प्लीज़ उसको हटा दो। तो
तो उन लोगों ने एक दो पोस्ट पे से एक दो कमेंट हटाए थे, बाकी सारे कमेंट्स थे। तो प्रिंस का जवाब यही था कि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ। तो ये चीज़ बहुत इजी और सरल वे में है कि जब आप पे आती है बात तो आप कमेंट नहीं देखते हो, जब वीडियो बनाना आता है तो आप कमेंट ही पढ़ के वीडियो बनाते हो। मुझे ये लिटरली बिल्कुल 1% पसंद नहीं आ रहा है ये जो चीज़ें भी हुई है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ साइड में बैठ के प्रिंस हंस रहा है, ये जो भी जेंडर के बारे में मैं बात कर रही थी या जो कुछ भी, क्योंकि और रंजना के पास भी इतना होना चाहिए कि यार मैं उसकी बहन हूँ और मेरे सामने कम से कम ये सब चीज़ें ना पूछे। अगर मैंने उससे हंस के बोला था उस टाइम पे, और वो आप साइलेंटली वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तो मतलब लिटरली मेरे तरफ से अब मैं कोई कॉल या मैसेज ना करने वाली हूँ ना उठाने वाली हूँ, बिकॉज अननेसेसरी ये चीज़ें हुई हैं। आज मैंने खुद अपने मुंह से बोला मैं यूट्यूब से खुद डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, मुझे नहीं मन कर रहा वीडियो डालने का। आज रंजना से मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। मतलब कि क्या है, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने नॉर्मली मैं लड्डू और चुटकी को दिखा रही थी, बट अगर मैं कोई चीज़ बात कर रही हूँ आई डोंट फील सिक्योर इन टॉकिंग की जो चीज़ें मैं बात करूँ वो सोशल मीडिया पे आए। बिकॉज अगर मैं बात कर रही हूँ तो ऐसे तो फिर मैं भी बहुत सारी बातें जो भी होती है वो सब सोशल मीडिया पे डालूं, ये कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं है। और रही बात रिलीजियस की, तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो जान ले कि रिलीजियस पॉलिटिकल चीज़ें ये सब बहुत सेंसिटिव होती हैं, जो चीज़ें हम लोगों को नहीं लेके आनी चाहिए। और इतना बड़ा मतलब भर भर के मेरे पे कमेंट करना, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के रखी हूँ, हो सके तो इस वीडियो में डाल दूँ। कि वैसे इतना लेट हो चुका है ना कि मुझे अभी सोना था, क्योंकि मुझे सुबह 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 5:30 बजे उठना है, मेरे बच्चे का स्कूल है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है। एंड मुझे मतलब सब यहाँ देख सकते हैं कि अभी कैसे पड़ा हुआ है, ये सब क्लीनिंग होगा फिर खाना पीना बनाऊँगी मैं। और मैं लिटरली भी गई थी सोने के लिए, और सुलाते सुलाते मैं अपना कुछ काम कर रही थी, और जस्ट मैंने मैसेज देखा, इतना ज़्यादा बड़ा मैसेज कि तुम्हें हिंदू नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, शिव जी का पूजा नहीं करती हो, सिंदूर लगाती हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैंने तो बहुत सारे अभी अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया है मेरे वीडियो पे कमेंट करने से, बिकॉज आई रियली फील वेरी डिसकनेक्ट मतलब फ्रॉम यूट्यूब। मेरे को लग रहा है कि अब मैं अपने आप को डिसकनेक्ट करूँगी। ये मैंने आज दिन में बोला था जब मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, रंजना प्रिंस ये वीडियो देख रहे हैं। एंड अभी जो मुझे, क्योंकि फ़र्क पड़ता है मेरे घर वाले या जो भी चीज़ें हैं कॉमेंट्स पढ़ते हैं, तो मुझे ये चीज़ फ़र्क पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे थ्रू आप लोगों तक कुछ नेगेटिव या कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाए। मुझे जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर किया था मुझे, और लोग बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे क्यों ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो भाई मैंने अपनी भाई भाभी को शेयर, भाई को तो नहीं, भाभी को शेयर किया था। मुझे नहीं पता था कि भाई बैठ के मेरा वहाँ वीडियो बना रहा है, या भाभी को पता है वीडियो बन रहा है एंड देन शी इज़ इंटरेस्टेड इन टॉकिंग ऑन दैट टॉपिक। तो इफ़ आई वुड नो ना, मुझे नहीं, अभी लड्डू के पापा सो रहे हैं, उनको पता चलेगा ना तो वो खुद मेरे पे ही गुस्सा करेंगे कि जब तुम्हें पता है कि हर टाइम वीडियो ही बनता है तो क्यों इतना तुम हंसी मजाक या कुछ भी करती हो। तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में बुरा लगा है, रिलीजियस टॉपिक है, मैं नहीं चाहती बात ड्रैग हो, तो आई एम रियली सॉरी। मुझे जो इन्फॉर्मेशन था मैंने वही इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। आप लोग को बुरा लगा, जो भी शुभचिंतक हैं मेरे, उन्हें सॉरी दिल से। एंड मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने उस अकॉर्डिंगली, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली ही बोला, क्योंकि रुद्राभिषेक मैंने कराया था तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन है। जब लड्डू के पापा नहला रहे थे शिवलिंग को, तो पंडित जी ने मुझे मना किया कि आप नहीं नहलाइए और आप कोई फल भी मत खाइएगा, शिवलिंग का हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, ऐसा मुझे बोला था। तो वो मैं करती हूँ, अगर मुझे कोई आके बोलेगा दी आप क्यों करती हैं ऐसे, तो मैं अपना राय बताऊँगी। मैं खुद से तो नहीं गई बताने की रंजना तुम ऐसे क्यों की वैसे क्यों की, शी डिड वॉट शी वॉन्टेड टू डू, बट शी वेन शी आस्क मी देन आई थिंक आई शुड आंसर वाई आई डोंट डू दैट। तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं पूजा करूँ नहीं करूँ, पूजा तो मैं शिव जी की करती हूँ, शिवलिंग की भी करती हूँ, लेकिन मैं कुछ खाती नहीं हूँ। एक सेकेंड, मैं शिवलिंग पे से कुछ फल वगैरह नहीं खाती हूँ, और दूसरे में मैं शिवलिंग को नहलाती वगैरह नहीं हूँ। तो बात वहाँ नहलाने की हो रही थी, जिस चीज़ को वो छूने का बात हो रहा था, बार बार छूना छूना, वो नहलाने का बात हो रहा था, बिकॉज लास्ट ब्लॉग में शायद उन लोगों ने नहलाया था रंजना ने,
और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था इस बारे में, और मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन थी कि हमें नहीं नहलाना चाहिए। तो मे बी जो पंडित जी हैं या जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मे बी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं उस चीज़ को करती हूँ। बहुत सारे लोग हवन में देते हैं स्वाहा, मैं नहीं देती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं पंडित जी की नहीं देना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं देना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, मेरी ये मान्यता थी, मैं अपनी फैमिली में शेयर कर रही थी। जो डाल रहा है उसको ये सोच समझ के डालना चाहिए कि शायद ये टॉपिक कुछ वैसा हो सकता है। तो रियली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये सब चीज़ें ऐसे बाहर, और लिटरली आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब वीडियो कॉल या कोई कॉल पे बात करने पे मैं 10 बार सोचूंगी पहले, तब मैं कोई बात करूंगी। बस इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए, बिल्कुल। मतलब मैं सो उठ करके आई हूँ अभी, छुटकी को सुला के किचन में मैं आके ये शूट कर रही हूँ कि लड्डू के पापा को भी ना पता चले। उनको पता चलेगा ना तो वो, खैर जो भी है, मैं बस इतना ही चाहूँगी कि जब आप कुछ वीडियो पोस्ट करते हो तो प्लीज़ थोड़ी सेंसिबिलिटी लाइए कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, और शायद वो किसी के नेम को या किसी के इमेज को हार्म कर सकता है। अभी जो 10 लोग मेरे ऊपर आ रहे हैं कमेंट करने रिगार्डिंग माय नॉलेज या जो चीज़ें भी, मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी हूँ, बस मुझे जो पता था वो मैं अपनी फैमिली में दी हूँ। एंड मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे देना ही नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई पूछे भी ना, देन आई शुड से कि यार आप अपने बड़ों से पूछो, मेरे से मत पूछो, जस्ट डोंट कंसिडर मी। सो इसी के साथ बाय एवरीवन। और हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जो मैं फील करती हूँ वो मैं बोल देती हूँ, आई कैन नॉट बी मैनिपुलेटिव, तो इसीलिए जो है वो है, मैं वो पोस्ट कर रही हूँ।